बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में क्या है, हमें फंक्शंस गिवन है, डिफरेंट फंक्शंस गिवन है और उनके हम इंटीग्रल्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने पिछले लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, उसके तकरीबन 11 पार्ट्स थे, ठीक है, वो हमने सॉल्व किए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, उसमें भी हमें फंक्शंस गिवन है और हमें कहा है इवैल्यूएट द इंटीग्रल। ठीक है, तो इवैल्यूएट हमने करना है, पहला पार्ट इसका करते हैं। पहला पार्ट क्या है कि dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b। ठीक है, ये हमें फंक्शन गिवन है, इसमें फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b, ये हमारा फंक्शन है। तो बल्कि 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b, ये फंक्शन बनता है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ये dx, तो चलें विद रिस्पेक्ट टू x हमने इंटीग्रेट करना है, उसको शो कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखें अभी तक हमने जो फार्मूलाज पढ़े हैं और जो हमने थ्योरम्स पढ़े हैं, क्या उनको चेक करते हैं, क्या उनमें से कोई एक अप्लाई हो सकता है यहाँ पर। चलें देखते हैं क्या नीचे वाला फंक्शन जो है इसको हम एक फंक्शन कंसिडर करें और डिनोमिनेटर में कंसिडर करें, और न्यूमरेटर में क्या इसका कोई डेरिवेटिव मौजूद है। मतलब कि मैं ये चाह रहा हूँ कि नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव चले हम प्राइम से लिख देते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स न्यूमरेटर में मौजूद हो और नीचे उसका फंक्शन हो, उसका इंटीग्रल आपको पता है किसके इक्वल होता है। ठीक है, क्या ऐसा कोई यानी कि ऐसी फॉर्म बन रही है, अगर x प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b को फंक्शन कंसिडर किया जाए, इसका डेरिवेटिव अगर लिया जाए, तो क्या कोई उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव मौजूद है, नहीं, न्यूमरेटर में तो सिर्फ 1 dx है। ठीक है, तो 1 तो इसका डेरिवेटिव नहीं है, तो चलें ये फॉर्म नहीं बनी। क्या हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं और पावर माइनस वन कर दें, एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट को अकेले को तो नहीं लेके जा सकते, दोनों को हमें लेके जाना पड़ेगा और साथ में उसका डेरिवेटिव उसके लिए होना चाहिए, वो भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो मतलब कि ये फॉर्म भी नहीं बन रही, एफ ऑफ एक्स पावर एन और साथ में उसका डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्म भी नहीं बन रही। तो अब क्या करें, देखें आपको इस फंक्शन को देखते ही आपके माइंड में कि ये क्लिक करना चाहिए कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, ठीक है, और दो फंक्शंस सम हो रहे हैं स्क्वायर रूट वाले, तो रेशनलाइज करना है इसको। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है, तो तब जाके इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, चलिए मैं लिख देता हूँ, यह है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b। ठीक है, ये हमें फंक्शन गिवन है, इसको हमें रेशनलाइज करना है। कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, फंक्शन सेम रहेगा, बस इसमें जो है ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से इसी से हम डिवाइड भी करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, इसका इंटीग्रल हमने फाइंड करना है और साथ में विद रिस्पेक्ट टू dx है, तो यहाँ पर मैं dx को इस साइड पर ले आता हूँ। तो ये मैंने रेशनलाइज किया, चलें आप इसको सॉल्व भी करते हैं कैसे, यानी कि ये अब प्रोडक्ट जो है आपस में न्यूमरेटर का प्रोडक्ट होगा और डिनोमिनेटर का आपस में प्रोडक्ट होगा, तो न्यूमरेटर तो चले ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये टर्म है जी एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, ये मल्टीप्लाई होगी टर्म इस टर्म के साथ, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर के साथ, तो ये क्या है x प्लस ए का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी। अच्छा, अगर आप इसको x कंसिडर करें इस पूरी टर्म को, इस पूरी टर्म को y कंसिडर करें, तो ये भी
x प्लस ए का स्क्वेयर रूट हमने यहाँ पर x कंसिडर किया तो ये भी x ही रहेगा, या फिर a कंसिडर कर लेते हैं। चलें मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ, इसको आप a कंसिडर कर लें इस टर्म को, ठीक है। तो लाजमी बात है फिर ये दोनों इक्वल टर्म्स हैं तो ये भी a हो जाएगी। इसको आप b कंसिडर कर लें इस पूरे टर्म को, x प्लस बी का स्क्वेयर रूट को, ठीक है। तो लाजमी बात है ये भी फिर सेम है, ठीक है, x प्लस बी का स्क्वेयर रूट, ये भी x प्लस बी का स्क्वेयर रूट। इसको हमने b कंसिडर किया है तो इसको भी हम b ही कंसिडर करेंगे। तो इसके दरमियान साइन क्या है, प्लस, इसके दरमियान साइन क्या है, माइनस, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है किसके, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, ठीक है। मतलब के इसका स्क्वेयर माइनस इसका स्क्वेयर, ये बन जाएगी टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आप न्यूमरेटर तो उसी तरह से रहेगा, एक्स प्लस ए का स्क्वेयर रूट, ठीक है, माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बनी हुई है, ठीक है, वो फार्मूला बना हुआ है, तो वो इक्वल है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, यानी कि एक्स प्लस ए का स्क्वेयर रूट इसका स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, बी हमने किससे कंसिडर किया हुआ है, एक्स प्लस बी का स्क्वेयर रूट उसका हो जाएगा स्क्वेयर, ठीक है। और साथ में इंटीग्रल साइन भी मौजूद है, और डी एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट से हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा ये अब थोड़ा सा सॉल्व हुआ है। अच्छा ये स्क्वेयर से क्या होगा, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस तरह से ये भी स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी जो हमारे पास क्या टर्म्स बचती हैं वो देखते हैं। न्यूमरेटर तो उसी तरह से रहेगा क्योंकि अभी तक उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। एक्स प्लस बी का स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए माइनस इंटू एक्स प्लस बी इसका इंटीग्रल और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा अब देखें, अब डिनोमिनेटर में क्या चेंज आई है, ये चेंज आई है कि एक्स प्लस ए माइनस ये स्क्वेयर रूट्स ख़त्म हुए थे ना, तो माइनस की वजह से मैंने अभी इसको ब्रैकेट को रहने दिया क्योंकि इस माइनस की वजह से अंदर साइन जो है चेंज होंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस इसके साथ प्लस है, एक्स के साथ माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स बन जाएगा, और ये माइनस इस बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रल साइन और साथ डी एक्स। अच्छा अब क्या बनेगा, अब ये पॉजिटिव एक्स है, एक्स को मैं थोड़ा सा सही करके लिखूँ, ये पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये कैंसिल कर देते हैं। बाकी जो टर्म्स बची हैं वो हम लिख लेते हैं, बाकी टर्म्स बच गई हैं जी एक्स प्लस ए का स्क्वेयर रूट माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वेयर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ए और बी क्या चीज़ें हैं, ए और बी दोनों कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट आपको पता है कि कोई चीज़ यानी कि मल्टीप्लाई हो रही हो कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ और हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो या इंटीग्रल फाइंड करना हो, हम कांस्टेंट को बाहर ले जाते हैं। अगर आपके ये मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ कि वन ओवर ए माइनस बी इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, इस तरह भी तो हो सकता है ना कि ये वन ओवर ए माइनस बी मैंने अलहदा कर दिया, ठीक है। तो इस तरह लिख के देखें तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये वाली टर्म जो आपको नज़र आ रही है वन ओवर ए माइनस बी, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम इंटीग्रल साइन से बाहर ले जाते हैं। वन ओवर ए माइनस बी इंटीग्रल साइन और फंक्शन क्या फिर बच गया, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, और इसका है डी एक्स। अच्छा अब यहाँ पर आपको एक और थ्योरम याद आएगा कि दो फंक्शंस जब आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनका अलहदा अलहदा इंटीग्रल फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि वन ओवर ए माइनस बी जो है वो तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, इस फंक्शन के साथ भी, क्योंकि दोनों से हमने कॉमन लिया। अच्छा अब हम क्या करेंगे कि चलें हम ऐसा करते हैं, वन ओवर ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ स्क्वेयर रूट एक्स प्लस ए, उसके बाद है माइनस साइन, ठीक है, वन ओवर ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ स्क्वेयर रूट
x plus b dx, और साथ में इसके मैं बोल गया था dx, तो ये भी लिख देते हैं। तो ये यानी कि ये 1 ओवर 1 a माइनस b जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, उसके अलावा दोनों का दो फंक्शंस आपस में सबट्रैक्ट हो रहे थे, तो वो वाला थ्योरम अगर आपको याद हो तो उसमें क्या होता है कि जब दो फंक्शंस आपस में ऐड या सबट्रैक्ट हो रहे हो, उनका इंटीग्रल फाइंड करना हो, तो वो उनका अलग-अलग हम इंटीग्रल ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपके सामने ये लिख दिया, x plus b है। अच्छा, अब क्या करें, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा ये स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में लिख देता हूं मैं, 1 ओवर 2। ठीक है, इस स्क्वायर रूट को भी लिख देता हूं, पावर है x plus b की 1 ओवर 2। अब थोड़ी सी वो शक्ल बनती हुई नजर आ रही है, फॉर्म बनती हुई नजर आ रही है, कौन सी अभी मैं आपको बताता हूं। 1 ओवर a minus b तो चलें कांस्टेंट, उसी तरह से इंटीग्रल sin x plus a की पावर 1/2। अगर इसको आप फंक्शन कंसीडर करें x plus a को, ठीक है, तो उसकी पावर भी है 1/2, कोई भी पावर होनी चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन x plus a है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 plus 0, x का डेरिवेटिव इज 1 और दूसरे a का डेरिवेटिव 0, 1 plus 0 इज 1, मतलब कि साथ में हम 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं किसी भी मतलब के फंक्शन के साथ, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डॉट 1 भी यहां पर मौजूद है, तो ये मैंने लिख दिया। और विद रिस्पेक्ट टू x है, dx आ गया माइनस 1 ओवर a माइनस b इंटीग्रल ऑफ x प्लस b है, ये x प्लस b की पावर 1/2, और साथ में इसके भी मैं 1 लिख देता हूं मल्टीप्लाई, ठीक है, इनटू dx। तो अब आप देखें तो ये फंक्शन x प्लस a जो है वो फंक्शन, ठीक है, f(x), और 1 जो है वो क्या है, f'(x), और f(x) के ऊपर पावर है 1/2, तो इसको मैं लिख देता हूं पावर n इनटू f'(x). इसका इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, इसका इंटीग्रल होता है f(x) की पावर में हम जो भी पावर पहले से मौजूद है उसमें एक ऐड कर देते हैं और डिवाइड उससे करते हैं जो अब पावर बनी है n+1। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी, ये फंक्शन f(x) उसकी पावर है कोई भी पावर हो, ठीक है, यहां पर तो 1/2 है इस स्पेसिफिक केस में, तो मैंने लिख दिया वो थ्योरम मैं लिख रहा हूं, यानी कि f(x) की पावर क्या है n, और साथ में इसका अगर डेरिवेटिव लें तो क्या बनेगा, 1 ही आता ना, तो ये पहले से मौजूद है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये इसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है f'(x). ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, वही f(x) की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, तो ये थ्योरम यहां पर अप्लाई होगा, तो बाकी तो 1 ओवर a माइनस b तो चले उसी तरह से रहेगा, 1 ओवर a माइनस b। अब यहां पर हम थ्योरम अप्लाई करते हैं, फंक्शन है x plus a, उसकी पावर 1/2 है, तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो n+1 हो जाएगी। ठीक है, n+1 यानी कि यहां पर 1/2 है, 1/2+1 डिवाइडेड बाय जो आप पावर बनी है 1/2+1। ठीक है, उसके अलावा माइनस आया, ठीक है, ये वाला माइनस साइन, और फिर से कांस्टेंट है 1 ओवर a माइनस b, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है हमने, तो ये भी वही थ्योरम यहां पर अप्लाई हो रहा है जो मैंने आपको पहले बताया। तो फंक्शन है x plus b, और उसकी पावर में हमने एक ऐड करना है, प्लस 1 हो जाएगा, और अब जो पावर बनी उससे हमने डिवाइड भी करना है 1/2+1। अब हम देखते हैं क्या बना, 1 ओवर a माइनस b इनटू x पावर 3/2, 1/2+1 3/2 बन जाएगा, तो डिवाइडेड बाय भी 3/2 माइनस 1 ओवर a माइनस b इनटू x plus b की पावर b 3/2 बन जाएगी, 1/2+1 is 3/2,
और डिवाइड भी हम 3 बाई 2 से करेंगे क्योंकि 1 बाई 2 प्लस 1 है, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व करके तकरीबन ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो इसको मज़ीद हम किस तरह से लिख सकते हैं, चलें ये जो 2 है ये चलें नोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 बाई 3 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स पावर 3 बाई 2, ठीक है। उसके बाद माइनस इसका भी ये 2 बाई 3 ये बन जाएगा, तो 2 बाई 3 इंटू ए माइनस बी पहले से मौजूद है यहाँ पर, और साथ में x प्लस बी, ये मैंने सिर्फ x लिख दिए, ये बनता है x प्लस ए, ठीक है, x प्लस ए की पावर 3 बाई 2, यहाँ पर भी x प्लस ए आएगा, x प्लस ए की पावर 3 बाई 2। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन मौजूद है, x प्लस बी की पावर 3 बाई 2। अच्छा, मज़ीद हम इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से कॉमन आ रहा है 2 बाई 3 और डिनोमेटर में a माइनस बी, वो अब अगर आप कॉमन ले लें तो वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज ना भी लें तो भी ये हम इंटीग्रेट तो कर चुके हैं अब, ठीक है। मज़ीद आप जितना सॉल्व कर रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर 2 बाई 3 इंटू ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, चले हमने ये कॉमन ले लिया, बाकी फंक्शन क्या बना, एक्स प्लस ए की पावर 3 बाई 2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3 बाई 2, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से इसको इंटीग्रेट किया। सबसे पहले हमने क्या देखा था यहाँ पर कि डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा, पहले तो हमने देखा कि क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है न्यूमरेटर में, नहीं मौजूद था, तो हमने ये देखा क्या हम इसको ऊपर लेकर जाएं साथ में डेरिवेटिव मौजूद होगा, नहीं था, ठीक है। तो ये यानी कि उसमें से कोई भी इस तरह का थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा था, या फिर हमने देखा गया क्या हम इसको डिवाइड करें तो फिर हम कैसे करेंगे ये, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास यही आया कि हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइज क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है और दो फंक्शंस का सम है, ठीक है। तो हमने इसको रेशनलाइज किया, पहले इसको सॉल्व किया, उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है एक फॉर्म बन गई कि हम इसको अलहदा से इंटीग्रेट कर सकते हैं, दो फंक्शन अलहदा हो गए ना, सेपरेट हो गए, तो हमने उसको अलहदा इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा, ये तो था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। उसके अलावा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसका इंटीग्रल है dx। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, अब बाकी आपने खुद से करना है, ठीक है। तो इसमें देखें नीचे x की पावर क्या है 2, ऊपर क्या है 2, ठीक है, दोनों पावर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स इक्वल हैं, तो हम इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करके जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसका आपने इंटीग्रल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको खुद से सॉल्व करें, बाकी आगे बहुत आसान है ये, तो मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में भी रेशनलाइज वाला फंक्शन है, ठीक है, आपको बताता हूँ। डी एक्स ओवर हमें गिवन है एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये भी तकरीबन पार्ट नंबर 1 की तरह ही है, इसमें भी हमने इसको रेशनलाइज करना है, उसके बाद जाके इसको जो है वो एक फॉर्म बनेगी, उसको हमने इंटीग्रेट कर लेना है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 भी आप खुद से ट्राई कीजिए। अब हम पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 हमें गिवन है a माइनस 2x की पावर 3 बाय 2 इंटू डी एक्स और उसका इंटीग्रल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ इसमें समझने वाली ये है, चलें इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ, वो चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी कि देखें अगर आप इसको फंक्शन कंसिडर करते हैं, सपोज ये आपका एक फंक्शन है a माइनस 2x, ठीक है, एफ ऑफ एक्स हम इसको कंसिडर कर लेते हैं फंक्शन, इसका इसके ऊपर पावर भी आपको नज़र आ रही है 3 बाई 2, चले हम इसको n से ही रहने देते हैं कि थ्योरम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना मैं, तो एफ ऑफ एक्स की पावर n आ गई, उसके साथ फिर हमारे पास डेरिवेटिव होना चाहिए,
इसका, ठीक है, इस फंक्शन का, फंक्शन क्या है a माइनस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस टू, यहाँ पर माइनस टू होना चाहिए लेकिन यहाँ पर हमारे पास माइनस टू नहीं है, ठीक है, मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, एफ प्राइम ऑफ एक्स होना चाहिए ना साथ में, तो तब जाके हम इसका इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, लेकिन हमारे पास डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद नहीं है, और डेरिवेटिव है क्या, एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू माइनस टू है, ये चलें कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसी कांस्टेंट से किसी फंक्शन को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, और उस फंक्शन पे उस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको थ्योरम बनाने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि माइनस टू से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं लिखता हूँ कि ए माइनस टू एक्स पावर थ्री बाई टू, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस टू के साथ, ठीक है, ये माइनस टू के साथ हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया लेकिन साथ में हम डिवाइड भी करेंगे ताकि इस एक्सप्रेशन या इस फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो इस माइनस टू की तो हमें ज़रूरत है थ्योरम बनाने के लिए, लेकिन इस माइनस टू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है तो इसको हम बाहर लेके जा सकते हैं इंटीग्रल से, तो ये बन जाएगा वन ओवर माइनस टू इंटीग्रल ऑफ ए माइनस टू एक्स पावर थ्री बाई टू इंटू माइनस टू डी एक्स, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो है वो थ्योरम बन चुका है कि आप इसको कह सकते हैं ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये आपके पास है प्राइम ऑफ एक्स है, ठीक है, फंक्शन के ऊपर पावर भी है एन और ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, ठीक है, और उसका इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इक्वल आएगा किसके एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, और एन आपको पता है कि थ्री बाई टू आपको गिवन है यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, माइनस वन बाई टू तो चलें पहले से कांस्टेंट मौजूद है, तो ये बनेगा ए माइनस टू एक्स, फंक्शन की पावर में एक इंक्रीमेंट करना है थ्री बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाय जो पावर अब बनी है थ्री बाई टू प्लस वन, ठीक है, इससे हमने डिवाइड भी कर दिया, तो आगे आप इसको सॉल्व कर लें, बस इसको कॉन्स्टेंट्स को ही यानी कि सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है, पार्ट नंबर फोर तक हमने सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट पार्ट से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करें।